इंडिया की फिर आती है पाकिस्तान की। तो कैसे कैसे स्ट्रक्चर चेंज हुआ, कैसे चाइना आगे बढ़ गया, इंडिया उससे पीछे रह गया और पाकिस्तान सबसे नीचे रह गया। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडिपेंडेंस से। तो इंडिया का इंडिपेंडेंस कब स्टार्ट हुआ था, 1947 में। इंडिया का इंडिपेंडेंस कब हो गया था, 1947 में। पाकिस्तान का कब हुआ था, 1947 में, ये सबको पता है। चाइना का कब हुआ था, 1949 में। ठीक है, बहुत अच्छे से तरीके से हम लोगों ने पढ़ लिया कि इंडिया का स्वतंत्रता कब मिली थी, 1947 में स्वतंत्र हो गया था। और ये पाकिस्तान 1947 में ये भी हो गया था। और चाइना कब हुआ था, 1949 में। अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट प्लान कब बना। इंडिया का फर्स्ट प्लान 1951 में बना। कब बना, 1951 में। 1950 में इसका गठन हो गया था, 1951 में बन गया इंडिया का प्लान। सेकंड पे हम लोग आए तो पाकिस्तान का प्लान बना 1956 में। कब फर्स्ट प्लान बना, 1956 में। और चाइना का कब बना, 1953 में। चाइना का कब प्लान बना भाई, 1953 में। तो हम लोगों ने ये दोनों चीज देख ली। अब हम लोग स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं। जैसे जैसे चाइना और इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान की दोनों सेम स्ट्रेटजी थी स्टार्टिंग टाइम में। इंडिया भी पब्लिक सेक्टर पे ज्यादा इन्वेस्ट करता था, प्राइवेट सेक्टर में उसके कम पैसा होते थे। और पाकिस्तान जो हमारा था ना, ठीक है, हमारा पड़ोसी मुल्क, सो कॉल्ड ऑफ, जो आप लोग जानते ही हो क्या है वो, ठीक है, वो सेम टू सेम नकल किसकी करती थी, अपने बाप की नकल करता था। बाप मतलब इंडिया की नकल करता था। कैसे, ध्यान से देखना। इंडिया की स्ट्रेटजी थी पब्लिक सेक्टर पे ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट किया जाए। किस पे इन्वेस्ट किया जाए, पब्लिक सेक्टर पे। और सेम पाकिस्तान का भी था, पब्लिक सेक्टर पे भी ये भी स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करती थी। हाँ, ये हम लोग भी जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसी थी, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में होता क्या है, जहां पे प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। प्राइवेट सेक्टर का मतलब, जो हमारी आजादी मिली है, सब लोग, कोई इंडिविजुअल भी उस सेक्टर को कर सकता है, जो ओन्ड कर सकता है, प्राइवेटली काम कर सकता है, उसको हम लोग प्राइवेट सेक्टर कहते हैं। और पब्लिक सेक्टर क्या होता है, कमांड सेक्टर होता है। जैसे कि हम लोग बात कर लें, अगर गवर्नमेंट किसी पे इम्पोस्ट करता है तो वो हो, क्या हो गया, हमारा पब्लिक सेक्टर हो गया। तो इंडिया और पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसी थी, मिक्स्ड इकोनॉमी थी। कैसी इकोनॉमी थी भाई, मिक्स्ड इकोनॉमी थी। बट चाइना की कैसी थी, कमांड इकोनॉमी थी। कमांड इकोनॉमी किसको कहते हैं, कमांड इकोनॉमी उस इकोनॉमी को कहते हैं जहां पे गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर दबाव होता है। मतलब पूरा का पूरा गवर्नमेंट सेक्टर ही इम्पोस्ट करती है, ठीक है, कंपेल कौन करती है, गवर्नमेंट सेक्टर ही करती है। किसी को बाध्य कौन करेगी, गवर्नमेंट सेक्टर करेगी। कमांड इकोनॉमी थी, गवर्नमेंट का ही राज होता है, चाइना में गवर्नमेंट का राज है। अब 1980s में, 1980 के समय, ठीक है, ये तो हम लोग समझ गए कि 1980s में पर कैपिटल इनकम, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान का तीनों का 1980s में पर कैपिटल इनकम तीनों की सेम थी। किसकी थी, तीनों की सेम थी। किसकी, इंडिया की भी सेम थी, पाकिस्तान की भी सेम थी और चाइना की भी सेम थी। इंडिया, चाइना और पाकिस्तान का 1980 में, अगर क्वेश्चन पूछ रहा है 1980 में क्या इंडिया की, पाकिस्तान की और चाइना में सिमिलैरिटीज है, तो हाँ 1980 में दो सबका पर कैपिटल इनकम सेम था। देखो 1980 के बाद चाइना एक ऐसा टाइम से गुजरा कि चाइना सबसे आगे हो गया और इंडिया से पीछे रह गया, ये सत्यता है, ठीक है। इंडिया, ठीक है, पीछे है चाइना से। क्यों पीछे है, क्योंकि उसके पीछे चाइना की कुछ रीजंस थी, उसकी कुछ इकोनॉमी को जनरेट करने की दूसरी क्षमता थी। पाकिस्तान हमसे भी नीचे है, क्योंकि पाकिस्तान में हम लोग जानते ही हो क्या होता है, पाकिस्तान में, ठीक है, सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान को किस लिए फेमस है। ऐसी कौन सी कंट्री है जो किस लिए फेमस है, पाकिस्तान में बम बनाने की फैक्ट्री है, ठीक है, पाकिस्तान। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात करते हैं। इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म कब हुआ, 1991 में, ठीक है। इकोनॉमिक रिफॉर्म कब हुआ, 1991 में। इकोनॉमिक रिफॉर्म मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक रिफॉर्म का मतलब होता है जहां पे इकोनॉमी को फिर से स्टार्टअप दिया जाए, जैसे चेंज किया जाए, कुछ नया चीज लेके आया जाए। इंडिया में क्या हुआ, 1991 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये तीन पॉलिसीज लगाए गए, ठीक है। और पाकिस्तान में कब हुआ इसकी शुरुआत, 1988 में, ठीक है, इकोनॉमी को रिफॉर्म किया गया। और चाइना हम लोग से पहले ही इकोनॉमी को रिफॉर्म करके बैठा है, 1978 में ही रिफॉर्म कर दिया चाइना। अब आगे हम लोग देखते हैं, ये देखते हैं कि चाइना की डेवलपमेंट स्ट्रेटजी कैसी थी। तो चाइना की डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, सबसे पहले तो ये हम लोग जानते हैं कि चाइना क्या था, गवर्नमेंट कंट्रोल था। क्या था, गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल था।
पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ये पार्टी थी जिसका पूरा का पूरा चाइना पे कंट्रोल था। फर्स्ट थिंग तो ये हो गई। सेकंड थिंग्स की जीएलएफ लेके आया गया, जीएलएफ मतलब ग्रेट लीप फॉरवर्ड, एक कंपेन चलाया गया चाइना में। कब चलाया गया? 1958 में। देखो भाई एक एक चीज यहाँ पे पिन कर दी है तुम लोग को, ठीक है, जिससे कि तुम लोग को पढ़ने में बहुत आसानी होने वाली है। तो 1958 में क्या लेके आया गया? ग्रेट लीप फॉरवर्ड। देखो चाइना वाले क्या किए थे, ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किस पे करते थे? इंडस्ट्री पे। उनका मानना था कि इंडस्ट्री खूब से खूब लगाई जाएगी तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगा, और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ करेगी, ठीक है। बहुत चालू थे सब, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कंपेन चलाए थे। किस लिए? इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, इंडस्ट्री को ज्यादा से ज्यादा आगे पहुंचाने के लिए। अब वहां पे कौन सा सिस्टम लागू होता था? कम्यून सिस्टम। कौन सा सिस्टम? कम्यून। कम्यून यहाँ पे हमारे यहाँ क्या होता था, छोटे छोटे भागों में लैंड बटा हुआ है, सब आपस में झगड़ा करते थे। मेड होता है ना, मेड आप लोग समझते हो, ठीक है। मेड का मतलब होता है जो एक जमीन को दूसरी जमीन से डिवाइड करता है, अलग अलग करता है। उसके लिए भी हमारे यहाँ इंडिया में लड़ाई हो जाती है कि भाई ठीक है हम तुम्हारे हिस्से में आ गए, तुम मेरे हिस्से में आ गए। सोचो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से कल्टीवेशन करते हैं, अलग अलग से फार्मिंग करते हैं इंडिया में, जिससे क्या होता है प्रोडक्शन का क्राइटेरिया अलग हो जाता है। प्रोडक्शन का क्राइटेरिया का मतलब अलग अलग लोग, डिफरेंट डिफरेंट लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से प्रोडक्शन करते हैं। कोई नई टेक्निक लगाता है, कोई पुरानी टेक्निक लगाता है, जिससे कि प्रोडक्शन की जो टेक्निक है वो बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो ग्रोथ है वो कम हो जाती है। बट चाइना में ऐसा नहीं है, वहाँ पे कम्यून सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है? कम्यून सिस्टम। वहाँ कलेक्टिव कल्टीवेशन होता है, मतलब सब लोग एक साथ ही कल्टीवेशन करेंगे, एक साथ ही कटाई उटाई होगी, एक ही साथ फार्मिंग होगी, जिससे कि जो लैंड जो फालतू लैंड हो जाते हैं वो नहीं हो पाएंगे। आगे हम लोग देखते हैं रिफॉर्म के बारे में। रिफॉर्म के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि रिफॉर्म का मतलब क्या होता है, कि रिफॉर्म का मतलब किसी चीज को नया बनाना होता है। तो रिफॉर्म में फर्स्ट स्टेज फेस क्या है? एग्रीकल्चर। वहां पे रिफॉर्म किसको किया गया फर्स्ट स्टेज में? एग्रीकल्चर को, फॉरेन ट्रेड को और इन्वेस्टमेंट को। तीन चीजों पे उनकी सबसे बेस्ट कमांड थी, एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट। इन तीन चीजों को लेके चलते थे चाइना वाले। पहले रिफॉर्म किया और उन्होंने डुअल प्राइसिंग किया, दो अलग अलग प्राइसिंग में बांट दिया। एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट की अलग प्राइसिंग की और इंडस्ट्री के प्रोडक्ट की अलग प्राइसिंग की। उनका मानना था कि इंडस्ट्री ही, इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर देगा और एग्रीकल्चर की प्राइसिंग अलग कर दो और इंडस्ट्री की प्राइसिंग अलग कर दो। अब फॉरेन इन्वेस्टर को लुभाने के लिए, अब नए नए टूरिज्म आते हैं तो लोगों को हमको लुभाना पड़ता है भाई। जब तक हम लुभाएंगे नहीं तब तक हम काम नहीं अच्छे ढंग से कर पाएंगे। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाना पड़ा क्या करने के लिए? अट्रैक्ट करने के लिए इन्वेस्टर को। तो आई होप समझ में आया आप लोगों को चाइना की डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। अब हम लोग देखते हैं पाकिस्तान की डेवलपमेंट स्ट्रेटजी के बारे में। देखो पाकिस्तान का भी इकोनॉमी कैसी थी? मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी होती है? जहां पे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों एक साथ काम करते हैं। पब्लिक मतलब स्टेट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, और प्राइवेट जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज वगैरह, दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो वो सेक्टर मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। पाकिस्तान में भी ऐसा ही है, यहाँ पे भी मिक्स्ड इकोनॉमी है, और इंडिया में भी तुम लोग जानते हो कि कौन सी इकोनॉमी है? मिक्स्ड इकोनॉमी सेक्टर है। अब पाकिस्तान में ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया गया। क्यों ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया गया? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए वहां पे बोला गया कि ग्रीन रिवॉल्यूशन आगे आ गया। 1970s में, 1970 में वहां पे कैपिटल गुड्स को इन्वेंशन किया गया, बनाया गया कैपिटल गुड्स। पहले क्या होता था, पाकिस्तान क्या करती थी? हमेशा इंपोर्ट करती थी, ठीक है, कहीं ना कहीं से बाहर से मशीन मंगाती थी। 1970 में पाकिस्तान क्या करने लगी? मशीन्स को बनाने लगी, कैपिटल गुड्स को बना के अभी तो बनाने ही लगी, ठीक है, और बाहर भी भेजने लगी। तो 1970 में कैपिटल गुड्स को बनाने और एक्सपोर्ट करना भी पाकिस्तान शामिल कर लिया। 1988 में रिफॉर्म्स किया गया पाकिस्तान में। कौन सा रिफॉर्म किया गया? 1988 में रिफॉर्म किया गया इंकरेजमेंट करने के लिए। किसको इंक्रीज करने के लिए? प्राइवेट सेक्टर को इंक्रीज करने के लिए। और ये सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान को वेस्टर्न कंट्रीज से बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल हेल्प और सपोर्ट मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि वो पाकिस्तान टेररिज्म है और टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए बाहर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है उसको सपोर्ट सिस्टम देती है। वो अलग बात है कि पाकिस्तान वो पैसा खुद खा जाती है और टेररिज्म को खुद से अपनाती है और एक रुपये का भी टेररिज्म ख़त्म नहीं करती है। बहुत दोगले होते हैं सब पाकिस्तान वाले। रिसीव फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम, क्या मिलता है? फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम मिलता है, खैरात मिलता है, भीख मिलती रहती है पाकिस्तान को अलग अलग जगह से, तो रिसीव करती है फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम पाकिस्तान। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया क्या करती है कि अलग अलग, पहले इंडिया ने 1991 में रिफॉर्म चालू किया, और रिफॉर्म चालू करने के बाद से इंडिया एक पिकअप स्टोरीज पे पड़ी, मतलब बहुत जल्दी बूस्ट कर गई, बूम कर गई इकोनॉमी में। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन इंडिया में आया, और बाहरी कंपनियां भी इंडिया में आके प्लांट लगाना स्टार्ट कर दी। और इंडिया में क्या है, जीडीपी की ग्रोथ भी इंक्रीज हुई। हम लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा जीडीपी की ग्रोथ
किस सेक्टर से आती है? तीन सेक्टर होते हैं ना हमारे, पहला कौन सा होता है? प्राइमरी सेक्टर, दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा होता है टेरिटरी सेक्टर। तो सबसे ज्यादा इंडिया में किस सेक्टर से आता है? टेरिटरी सेक्टर से आता है, सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर से 53% जीडीपी का हिस्सा है। कितना परसेंट है? 53% है। सेकेंडरी सेक्टर कम है और प्राइमरी सेक्टर एकदम कम है। प्राइमरी सेक्टर में क्या होते हैं? ऐसे गुड्स जो बनाए जाते हैं, जैसे एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या होता है? हमारा प्राइमरी सेक्टर होता है। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है हमारा? जैसे कोई इंडस्ट्रीज, ठीक है, जैसे कि मान लो हमने कोई किसान है, वहां से हमने गुड्स बना दिया, ठीक है, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। जैसे प्राइमरी सेक्टर में तुम्हारा खेती भी आ जाएगा, प्राइमरी सेक्टर में दूध, ये सारी चीजें प्राइमरी सेक्टर में आ जाएंगे। अब उसी दूध को ले जाके हम अमूल का प्लांट लगा दिए, तो ये इंडस्ट्रियल है, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया, ये सेकेंडरी सेक्टर है। और उसी इंडस्ट्रीज को जैसे कि मान लो हम जाके कहीं पे सर्व कर दिए, ठीक है, दुकान बेचने लगे, तो वो क्या है? सर्विस सेक्टर है। जैसे हम क्या कर रहे हैं भाई, कोई एक सर्विस ही तो कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। अगर मान लो इतने ही एरिया में, ठीक है, अगर खेती करते तो कितना पैसा होता? कम पैसा होता, तो प्राइमरी सेक्टर में आ जाता, सेकेंडरी सेक्टर में कम होता और टेरिटरी सेक्टर में उससे भी ज्यादा होता, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर हमारा क्या है? अगर मान लो इतने ही एरिया में अगर हम पढ़ा कुछ खेती कर रहे होते तो कितना पैसा आता? कम आता, ठीक है, बट इतने एरिया में हम पढ़ा रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइजेशन हो रहा है, बच्चे ज्यादा से ज्यादा निकल रहे हैं, ठीक है। तो टेरिटरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर ज्यादा से ज्यादा ग्रो करता है, बट टेरिटरी सेक्टर को होने के लिए प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर की जरूरत पड़ती है। जैसे कि मान लो अगर कोई मेडिकल शॉप है, ठीक है, मेडिकल शॉप पे जो दवाइयां हैं, दवाइयां पहले रॉ में आती होंगी, तो वो प्राइमरी सेक्टर से कहीं ना कहीं से वो उपजाऊ बनाते होंगे, या नेचुरल या केमिकल से फर्टिलाइज करके, पहली चीज हो गई। दूसरी चीज सेकेंडरी सेक्टर, इंडस्ट्री में वो बनाई जाती है, वो सेकेंडरी सेक्टर हो गया। दुकान पे आ गया रहने के लिए, तो वो क्या हो गया? टेरिटरी सेक्टर हो गया। तो तीनों सेक्टर समझ में आया। इंडिया में टेरिटरी सेक्टर ज्यादा से ज्यादा हुआ 1951 में, प्राइमरी सेक्टर ज्यादा था इंडिया में, बट अब धीरे धीरे टेरिटरी सेक्टर की तरफ हम लोग आ रहे हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमारा एक ही मकसद था कि हमको एग्रीकल्चर को लेके जाना, उसके बाद हमारा मकसद बढ़ता गया, हम फिर इंडस्ट्री के बारे में सोचे, फिर हम धीरे धीरे टेरिटरी सेक्टर के बारे में सोच लिए, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा हो गया कि पाकिस्तान और इंडिया की डेवलपमेंट स्ट्रेटजी कैसी थी। देखो पाकिस्तान और इंडिया की डेवलपमेंट स्ट्रेटजी बहुत एक जैसे थी, बट इंडिया थोड़ा सा आगे निकल गया, थोड़ा क्या बहुत निकल गया आगे पाकिस्तान से, ठीक है, और पाकिस्तान थोड़ा नीचे ही रह गया, ठीक है। क्यों रह गया? क्योंकि पाकिस्तान में, ठीक है, कोई भी हाई रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पाई, वहाँ की गवर्नमेंट टैक्सेस को रिफॉर्म नहीं कर पाई, टैक्सेस वसूल नहीं पाई। इंडिया में, ठीक है, टैक्सेस वसूला गया और चाइना में ज्यादा से ज्यादा टैक्सेस दिए, ज्यादा लोग फेयर डीलिंग किए, इंडिया में फेयर डीलिंग थोड़ी कम है, ठीक है। और यहाँ पे, ठीक है, अलग जैसे हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में हमको ये तो मिला है, ठीक है, राइट है कि भाई इंडिया में क्या होना चाहिए, ऐसा चीज होना चाहिए जहाँ पे सबको इक्वालिटी हो। मान लो मैं भी लॉ किया हूँ तो मुझको भी एक ही सैलरी मिलनी चाहिए जो दूसरा किया है, बट यहाँ पे इनइक्वालिटीज है, यहाँ कंपनियां इतना पैसा नहीं पे करती है जो फॉरेन की कंपनियां पे करती हैं, ठीक है, उससे भी बहुत सारा दबाव हुआ है, बट वो एक पॉलिटिकल मुद्दा है, उस पर कभी बात करेंगे। बिग इकोनॉमी, ग्रीन रिवॉल्यूशन, 1970-1988 रिफॉर्म और फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम। डेमोग्राफिक इंडिकेटर के रूप में देखा जाए इंडिया, पाकिस्तान और चाइना में, तो कौन बड़ा है कौन छोटा है ये देखते हैं। डेमोग्राफिक अगर प्रोफाइल देखा जाए, एरिया देखा जाए, तो चाइना का नो डाउट अधिक है, फिर इंडिया का है, फिर पाकिस्तान का है। बट पॉपुलेशन अगर देखा जाए तो पॉपुलेशन में सबसे पहले कौन है भाई? सबसे पहले है चाइना। पॉपुलेशन सबसे ज्यादा किसका है? चाइना का, ये सबको पता है। इंडिया का कितना है? सेकंड नंबर पे। सबसे स्मॉल कौन है? पाकिस्तान है। 1/10 है चाइना और इंडिया का पॉपुलेशन के बराबर, 1/10 है। उसके बाद देखते हैं अर्बनाइजेशन, किसके पास कितना अर्बनाइजेशन, तो इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 28% अर्बनाइजेशन है। कितना है? 28%। पाकिस्तान में हाई है और चाइना में भी हाई है, मतलब इन दोनों में हाई है और इंडिया में लोअर है, ठीक है, इनके मुकाबले। पॉपुलेशन ग्रोथ देखा जाए, पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब कौन तेजी से बढ़ रहा है, तो पाकिस्तान क्या हो रहा है भाई? फर्स्ट नंबर मार गया है, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ में बहुत तेजी से बच्चा पैदा हो रहा है वहां पे, ठीक है। सेकंड नंबर पे कौन है? इंडिया है, इंडिया में भी तेजी से हो रहा है, और चाइना थोड़ा सा कम हो गया है, थर्ड नंबर पे आ गया है, क्योंकि इसने वन चाइल्ड पॉलिसी लगा दी थी 1970 में। कब लगा दी थी? 1970 में वन चाइल्ड पॉलिसी लगा दी थी। फिर हम लोग देखते हैं फर्टिलिटी रेट, फर्टिलिटी रेट का मतलब कौन तेजी से फर्टिल नेचुरल तरीके से बच्चे को पैदा कर रहा है, तो सबसे पहले पे कौन है? पाकिस्तान। चाइना लो है और इंडिया का भी पता नहीं है फर्टिलिटी रेट में, ठीक है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं, अगर हम बात करें कि जीडीपी ग्रोथ की, तो सबसे पहले नंबर पे कौन है? चाइना है। चाइना का जीडीपी कितना है? 14.73 ट्रिलियन डॉलर है। कितना है? 14.73। सेकंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में। कितना है? सेकंड है, लार्जेस्ट है वर्ल्ड में चाइना का, ठीक है, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार। इंडिया का कितना है?
$2.875 trillion, $2.875 trillion, और पाकिस्तान का कितना है $278.22 billion, $278.22 billion, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं कि चाइना कैसे आगे निकल गया। चाइना का निकल आगे निकलने का कारण ये है कि वहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। चाइना में क्या है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, वहां पे पॉलिटिशियन इतने चेंज नहीं होते हैं। इंडिया और पाकिस्तान में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, कभी कभी पॉलिटिशियन चेंज हो जाते हैं, नई नई पॉलिसी लेके आते हैं, कोई कोई और गवर्नर चलाता है, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है, ठीक है। इसीलिए अगर हमको भी आगे निकलना है तो हमको भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाना पड़ेगा कंट्री में, और डेमोग्राफिक प्रोफाइल तो हमको रखनी पड़ेगी। डेमोक्रेसी तो हमारे में इंडिया की सबसे लार्जेस्ट है, बट हमको अपने प्रोफाइल में, ठीक है, स्टेबिलिटी को भी लेके आना पड़ेगा। तो सबसे मेजर कारण भी ये हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये टॉपिक हमारा पूरा का खत्म हो गया, डेवलपमेंट स्टडी पूरा खत्म करा दिए, और लास्ट में आपको एक एक हम पीडीएफ देंगे, उसको भी आप लोगों को पढ़ लेना है, जिससे कि ये पूरा चैप्टर में कोई चेंजेस आया होगा तो फिर से आपको एक कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। बट मैंने ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा दिया है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स, बाय बाय।